अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी ज़रीन खालिद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ज़रीन खालिद। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी लच्छा पकौड़े। इसके लिए मैंने 3 आलू जो हैं वो कद्दूकश कर लिए हैं और सारा स्टार्च जो है वो मैं निकाल रही हूँ। साथ में ये चाहिए हमें बेसन, मैदा 1/2 कप, रेड चिली पाउडर और नमक भी 1 टीस्पून, और साथ में ग्रीन चिली और लहसुन चॉप्ड। और ये हमने सारा जो है आलू का पानी निकाल के इसको ड्रेन कर लिया था पानी को, और साथ में अब ये सारे हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे और हम इसको बिना पानी डाले अच्छी तरह से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू में ख़ुद से ही पानी होता है और नमक डालने की वजह से भी रिलीज़ करता है, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगे कि बेसन या मसाला कम है तो फिर सिर्फ आपने मैदा इसमें ऐड करना है। तो ये रेडी है मिक्सचर। ऑयल हम गरम कर लेंगे और इसकी बॉल्स बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई करने के बाद सिर्फ डन नहीं होना है, इसका अभी जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप बाकी है। तो ये पकौड़े जो हैं जस्ट फ्राई होने के बाद ये रेडी नहीं हुए हैं, तो हमने इनको ब्राउन कर लेना है और डिश आउट कर लेना है। 3 to 4 मिनट्स हमने इनको फ्राई करके डिश आउट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम ये पकौड़े जो हमने तैयार किए हैं इनको करेंगे स्पून की मदद से फ्लैट। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं फ्लैट, या फिर इसको आप और भी किसी चीज़ से प्रेशर देके इस तरह कबाब की तरह का लुक देंगे। फ्लैट करेंगे तो ये खुद ही सर्कल कबाब टाइप का इसका लुक आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को अपने कर लेंगे, और इस स्टेज पे आके आप इनको थोड़ा सा ठंडा होने रख दीजिएगा। जैसे ही ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप इनको एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में, नॉर्मल फ्रिज में हम इसको रख सकते हैं, डीप फ्रीज़र में नहीं, और 3 दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बस आपने जब भी सर्व करने हैं 10 मिनट पहले आपने इसको निकालना है और गरम ऑयल के अंदर इसको 3 to 4 मिनट्स आपको फ्राई करने होंगे, तो ये आपके लच्छा पकौड़े बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये बिल्कुल यूनिक और न्यू रेसिपी है। इसमें जो ग्रीन चिली और लहसुन का जो फ्लेवर आ रहा है उसकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने ऑयल में सारे ही पकौड़े डाल दिए हैं रीफ्राई करने के लिए, सर्विंग करने के लिए। तो आपने इसको तेज़ आंच पे 3 to 4 मिनट्स को दोबारा फ्राई करना है। और ये देखिए, ये रेडी हो चुके हैं फ्राई होके। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप इसको केचप और चटनी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।